Hi everyone, welcome to our channel The Agnes and you are watching the video series on Class 11th Microeconomics. So students, Class 11th Microeconomics में हमारा Consumers Equilibrium chapter चल रहा है जिसके कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो. So आज की क्लास में हम करने वाले हैं Consumers Equilibrium का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. So अगर आप भी होना चाहते हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में परफेक्ट, तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम समझने वाले हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में डिफरेंस. पिछली क्लास में, लास्ट वीडियो में, मैंने यूटिलिटी के बारे में आपको अच्छे से बता दिया था, यूटिलिटी का क्या मतलब होता है और इसको कैसे नापा जाता है और इसके पीछे जो यूनिट लगता है वो कौन सा लगता है. तो सारी चीजें क्लियर थी पिछली क्लास में. यूटिलिटी क्या होता है, किसी भी एक कमोडिटी के पास जो पावर होती है हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने की, तो उसको यूटिलिटी बोला जाता है. अब ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसके बारे में आज की क्लास रहेगी. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में फर्क समझा देता हूं, उसके बाद क्लास लेंगे. बड़ा सिंपल फर्क है और यहां पर आप देख सकते हैं. जैसे कि मान लेते हैं कि आपने 3 आइसक्रीम्स खाई हैं. देखिए यहां पर ये एग्जांपल भी लिखा हुआ है तो इसके बारे में ही मैं आपको बता रहा हूं. तो 3 आइसक्रीम्स आपने रेगुलर बेसिस पे खाई हैं, कहने का मतलब है कि लगातार खाई हैं आपने, कंटिन्यूअसली, बिना रुके, बिना बीच में टाइम का गैप हुए. तो ये जो 3 आइसक्रीम आपने खाई हैं वो सेम फ्लेवर की थी, उसमें सब कुछ सेम था, साइज भी सेम था, फ्लेवर भी सेम था और टाइम तो सेम था ही क्योंकि उसी समय आपने खाई है. तो यहां पर कुछ यूटिलिटी निकल के आई है ना, यूटिलिटी आएगी निकल के. और पिछली बार हमने ये समझा था कि जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम किस तरह से नंबर्स में लिखते हैं. तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि जो पहली आइसक्रीम थी, जब पहली आइसक्रीम हमने खाई वो सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमको, सबसे ज्यादा टेस्टी लगी. सो मान लेते हैं वहां से 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन निकल के आई. ये है यूटिल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन पहली आइसक्रीम से निकल के आई. अच्छा ठीक है, उसी समय जब पहली आइसक्रीम खत्म हो गई उसके बाद मैंने सेकंड वाली जब आइसक्रीम खाई जो कि बिल्कुल सेम थी, तो मुझे ये लगा कि ये उतनी टेस्टी नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैं वैसी आइसक्रीम खा चुका हूं तो उसमें से बिल्कुल सेम सेटिस्फैक्शन तो नहीं निकलेगी. तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर इस बार 16 की सेटिस्फैक्शन मुझे मिली, ठीक है. उसके बाद मैंने थोड़े समय बाद, मतलब जब ये आइसक्रीम खत्म हुई तो उसके बाद मैंने तीसरी आइसक्रीम खाई और वो भी बिल्कुल सेम साइज और बिल्कुल सेम फ्लेवर की आइसक्रीम थी. तो यहां पर जो 16 मुझे यहां पे मिला था तो वो और कम हो गया और जो तीसरी आइसक्रीम के बाद जो यूटिलिटी निकल के आई वो थी 10 यूटिल्स की, ठीक है. इतना क्लियर है. अब देखिए यहां पर बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने टेबल बनाया है ये मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल है, ठीक है. इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, कुछ और नहीं है, अलग से नहीं पढ़ना आपको. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, जब भी हम किसी यूनिट के, किसी कॉमोडिटी के लगातार यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, जब भी हम किसी एक कॉमोडिटी के यूनिट्स को लगातार कंज्यूम करते हैं तो हर यूनिट के साथ जो यूटिलिटी मिलती है हमको वो हमेशा इस तरह से होती है, डिमिनिशिंग ऑर्डर में होती है और उसको ही हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, हर एक यूनिट के साथ जो यूटिलिटी मिली, ठीक है. अभी मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल, मतलब एक और. तो अभी तक मान लेते हैं मैंने कोई आइसक्रीम नहीं खाई थी, तो जब मैंने पहली आइसक्रीम खाई तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने एक आइसक्रीम खाई, पहली आइसक्रीम खाई, तो यहां पर 20 यूटिल्स मिल गया. तो इसका जो पहले वाले का MU हो गया वो हो गया 20, ठीक है. अब देखिए मैंने एक और आइसक्रीम खाई तो जो यूटिलिटी निकल के आई है वो 16 की है, एक और खाने पर, ठीक है. तो मार्जिनल का मतलब ये होता है कि जब आप एक और यूनिट कंज्यूम करते हैं किसी कॉमोडिटी का तो उसमें से कितनी यूटिलिटी निकल के आती है. एक और खाने पे मुझे 10 की और मिली,
क्लियर। तो ये जो इंडिविजुअल यूटिलिटी लिख देते हैं ना हम, अलग अलग यूटिलिटी हर यूनिट की लिख देते हैं, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा ये टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल मतलब है इनको जोड़ते जाओ और यहां पे लिखते जाओ तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगा आपका। एमयू का सम ही होता है टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो टीयू का अगर मैं टेबल यहां पे बनाऊं तो किस तरह का बनेगा, पहले में 20 आ गया यहां पे, उसके बाद पहले दो में दोनों को ऐड कर दो, 20 प्लस 16 कितना हो गया, 20 प्लस 16 हो गया 36, उसके बाद इन तीनों को ऐड कर दो तो ये 36, ये हो गया 36 और ये हो गया 10, 46। तो ये जो टीयू का है ये इस तरह का बनता है, टीयू का जो टेबल है वो इस तरह का बनता है। तो इसमें आपको एमयू को ऐड करते जाना है। कहने का मतलब क्या है, पहली आइसक्रीम जब खाई तो एमयू और टीयू दोनों सेम होगा क्योंकि दोनों ही बराबर है, लेकिन जब दूसरी आइसक्रीम खाऊंगा तो एमयू तो 16 आ गया लेकिन टीयू जो है वो 36 आ जाएगा क्योंकि दोनों का ऐड करके देख रहे हैं, सम करके देख रहे हैं। उसी तरह अगर तीन आइसक्रीम मैंने खा ली तो इसका तो एमयू 10 आएगा लेकिन 36 ऑलरेडी हम पहुंच चुके थे तो वहां पे 10 और ऐड करके 46 टोटल यूटिलिटी हो जाएगी उसकी। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया, हालांकि आगे चल के मैं कुछ और एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बस ये इसलिए समझाया ताकि आने वाले जो टॉपिक्स हैं जो मैं बताऊंगा आपको अच्छे से क्लियर रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। अब ये टीयू और एमयू का जो कॉन्सेप्ट है याद रखिएगा, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने में बहुत हेल्पफुल होता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अगर हम बात करें टोटल यूटिलिटी की तो इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन, देखिए यहां पे क्या लिखा है, टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। तो जितने भी हम कमोडिटी के यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें से निकला हुआ जितना भी सेटिस्फैक्शन है अगर उसको हम ऐड कर दे, उसका टोटल निकाल दे तो वो जाती है टोटल यूटिलिटी। टीयू इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, यहां पे समझाया था कि जो टीयू होता है वो एमयू का सम होता है, जितने एमयू निकलते जाते हैं पर यूनिट उसको अगर आप जोड़ते जाओगे तो टीयू आता जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, इफ फर्स्ट आइसक्रीम गिव्स यू अ सेटिस्फैक्शन ऑफ 20 यूटिल्स एंड सेकेंड वन गिव्स यू 16 यूटिल्स एंड थर्ड वन गिव्स यू 10 यूटिल्स, ठीक है। तो तीन आइसक्रीम है, बिल्कुल जो टेबल में मैंने आपको नंबर्स दिखाए थे बिल्कुल लिखे हुए हैं यहां पर, बिल्कुल सेम। तो यहां देख सकते हैं 20 यूटिल्स पहले में, 16 यूटिल्स दूसरे में और 10 यूटिल्स तीसरे में। तो यहां टीयू फ्रॉम टू आइसक्रीम्स इज 20 प्लस 16 जो कि हो गया 36, बिल्कुल सही है क्योंकि हम टोटल यूटिलिटी निकाल रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 जो पहले वाले का था, 16 जो सेकेंड वाले का था, उन दोनों को ऐड करके मैं यहां पे 36 लिख सकता हूं। टीयू फ्रॉम थ्री आइसक्रीम्स, अगर तीन आइसक्रीम्स की मैं बात करता हूं तो यहां पे देखिए तीनों की यूटिलिटी को मैंने ऐड कर दिया, तीसरी आइसक्रीम की यूटिलिटी 10 थी तो तीनों को ऐड करने के बाद 46 आ चुका है मेरा। तो इस बार टीयू जो है वो 46 है। अब ऐसा जरूरी नहीं है तीन ही खाओगे, इसके आगे फोर्थ भी खाओगे फिफ्थ भी खाओगे, लेकिन इतना याद रखना कि कभी भी जो आपने ये वाली वैल्यू लिखी है, जो लास्ट वैल्यू लिखी है, उसको सेम मत लिखना यहां पे, उसके नीचे की ही वैल्यू लिखना क्योंकि जो यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा ऐसा क्यों है कि ये कम ही हो रही है, बढ़ क्यों नहीं रही है। हालांकि अभी शॉर्ट में समझने के लिए बस आप इतना याद रखिए कि जब किसी चीज का पहला यूनिट आप खाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद उसी समय दूसरा यूनिट खाते हैं तो वो थोड़ा कम अच्छा लगता है हमको, फिलहाल के लिए इतना है, क्लियर। आगे देखते हैं, यहां पे फॉर्मूला लिखा है टोटल यूटिलिटी निकालने का। तो यहां देखिए लिखा है टी यू एन, एन मतलब है nth टर्म, मतलब एन नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स को बोलते हैं एन। तो जितने यूनिट्स आपने खाए हैं टोटल उसको यहां पर रखिए और MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MUN, मतलब जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी उसमें से निकल के आ रही है सबको प्लस करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला भी है TU का जो कि आप देख सकते हैं सिग्मा MU, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी लिखना होगा। अब ये फॉर्मूले किस तरह से यूज होंगे, कहां कहां पे ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे, ये आपको न्यूमेरिकल्स की क्लास में अच्छे से क्लियर करूंगा। हालांकि आपको बस इतना पता होना चाहिए ये जो n की वैल्यू है यहां पर आपको
जितने भी यूनिट्स अभी तक कंज्यूम किए हैं, अगर आपने एक ही यूनिट कंज्यूम किया है तो यहां पे वन ही लिखिएगा, और यहां पर भी क्या लिखेंगे, MU1, क्योंकि एक ही यूनिट कंज्यूम किया है। अब अगर आपने दो यूनिट कंज्यूम कर दिए हैं तो यहां पर ये TU के नीचे क्या आएगा, टू आ जाएगा, और यहां पे पहले दो MU जो निकल के आए हैं उन दोनों को ऐड करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप आगे बढ़ के आंसर निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, TU का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब समझ लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। हालांकि आपको ऑलरेडी समझ आ चुका है, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाता है तो कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल सेटिस्फैक्शन, देखिए ये वर्ड चेंज हुआ है बस, और यहां पे ये वर्ड चेंज हुआ है, बस ये दो वर्ड चेंज हुए हैं, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की। अब कैसे, देखिए यहां लिखा है इट रेफर्स टू द एडिशनल सेटिस्फैक्शन, मतलब आपको ऑलरेडी सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है थोड़ी, लेकिन एडिशनल सेटिस्फैक्शन मगर और आपको मिल रही है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट। अभी आपने दो तीन यूनिट खा लिए हैं, या मान लेते हैं एक यूनिट आपने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है, तो उसके बाद जो एडिशनल यूनिट निकलेगा, वन मोर यूनिट, उसमें से जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन निकलेगी उसको बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल की डेफिनेशन सेम है, बस दो वर्ड चेंज कर देना। वहां पर यहां क्या, यहां पे क्या लिखा था, द सम लिखा था, यहां पे द सम ऑफ द सेटिस्फैक्शन, द सम ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स, ऑल द पॉसिबल यूनिट्स, यही लिखा था, बाकी सेम है, इसमें भी सेम है। आगे बढ़ते हैं, इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी पर यूनिट कंज्यूम्ड। तो टोटल यूटिलिटी अगर आपको दिया हुआ है, एक कॉलम में अगर आपको टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है, तो आप मार्जिनल यूटिलिटी को निकाल सकते हो। तो उसी का यहां पर फॉर्मूला भी लिखा है, और ये जो सेकंड लाइन है उस ये फॉर्मूले के बारे में ही आपको बता रही है। तो कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या है, देखिए TU पर यूनिट कंज्यूम्ड, ठीक है, और यहां पे चेंज भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि टोटल यूटिलिटी जो आ रही है एक हर यूनिट कंज्यूम करने के बाद, तो वो उसका चेंज आपको निकाल देना है। तो जो चेंज होता है वही MU होता है, टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप जो चेंज आ रहा है उसको आप माइनस करते जाइए तो आपका आंसर आता जाएगा। तो चेंज की वैल्यू आपको सीधा लिख देनी है उठा के, क्लियर। अभी आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहां पे फॉर्मूला क्या लिखा है, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस वन। अब देखिए बुक लैंग्वेज में फॉर्मूला थोड़ा सा लिखा है, तो इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि यहां पे लिखा क्या है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी आप जिस भी यूनिट की आप मार्जिनल यूटिलिटी निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं आप थर्ड आइसक्रीम की मार्जिनल यूटिलिटी निकालना चाहते हैं, तो यहां पे थ्री लिखिए, और यहां पे टोटल यूटिलिटी थ्री माइनस टोटल यूटिलिटी थ्री माइनस वन, जो कि हो गया टू। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूले को यूज करना होता है। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, जब अभी एक टेबल बना के दिखाऊंगा आपको इसके बाद। तो एक और फॉर्मूला है यहां पर, आप देख सकते हैं MU इज इक्वल टू चेंज इन TU अपॉन चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम्ड, और ये डेल्टा जो साइन होता है ये चेंज के लिए होता है, आपको पता होना चाहिए ये जो साइन है ये चेंज के लिए होता है। सो जितना भी टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है और जितना भी क्वांटिटी कंज्यूम्ड में, यूनिट कंज्यूम में चेंज आता है, वो आपको यहां पर इस तरह से लिख के MU की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, अब चलिए एक टेबल बनाते हैं जिसमें आपको मैं बताऊंगा किस तरह से वैल्यूज आप एक दूसरे से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बस तीन कॉलम आपको बनाने हैं, जिसमें पहला कॉलम होना चाहिए आइसक्रीम कंज्यूम। फिलहाल हम आइसक्रीम का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आइसक्रीम कंज्यूम्ड, ठीक है, और यहां पर हम लिखने वाले हैं मार्जिनल यूटिलिटी, और यहां पर लिखने वाले हैं टोटल यूटिलिटी, बस। अब कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं हमने टोटल सिक्स आइसक्रीम्स कंज्यूम की है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, जिसमें सबसे पहले में मुझे मिली थी 20 यूटिल्स की। अब देखिए इंडिविजुअल लिख रहा हूं मैं, सबका अलग अलग लिख रहा हूं क्योंकि MU बना रहा हूं मैं यहाँ पे। सेकेंड में कितने की, सेकेंड में मैं लिख देता हूँ 16 की, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 10 की, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, उसके बाद मैं यहां लिख देता हूं 0, और यहां पे लिख देता हूं -6। बिल्कुल
-6 तक पहुंच जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। अभी माइनस का मतलब क्या है इसके बारे में भी अभी आपको मैं बताऊंगा। चलिए MU मान लेते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब MU से TU कैसे निकाले, MU को ऐड करते जाइए TU आता जाएगा। अब देखिए कैसे, पहले यूनिट से टोटल यूटिलिटी तो सेम ही आएगी जितनी MU आई है, तो यहां पर भी 20 लिख दीजिए आप। पहले दो यूनिट से कितनी आई है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ गया 36 आ गया। अब 36 इन दोनों को जोड़ के आया तो तीन यूनिट से कितनी आ गई, 36 में 10 और जोड़ दीजिए तो ये आ गया 46। उसके बाद 46 में 4 जोड़ दीजिए तो ये आ गया 50, और 50 में इस बार जीरो जोड़ना है, जीरो, तो 50 में जीरो जोड़ के क्या आएगा, 50 ही रहेगा। और उसके बाद 50 में -6 जोड़ना है, -6 जोड़ने का मतलब क्या है, 50 में से 6 माइनस करके यहां पे आपको 44 लिखना है, इस बार 44 लिखना। तो इस तरह से देखिए, अगर आपको MU दिया हुआ है तो आप TU निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज देखिए, मान लेते हैं यहां पे TU दिया होता, सिर्फ MU आपको नहीं दिया होता तो कैसे निकालते, देखिए बड़ा सिंपल है। मान लेते हैं ये वाला हमको कॉलम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हम एक और कॉलम बनाएंगे यहां पर, तो यहां पे देखिए MU, ठीक है, कैसे निकाले, देखिए यहां पर यूनिट दिया हुआ है वन दिया है, और यहां पर 20 दिया हुआ है। तो अगर मैं देखूं पहले यूनिट में तो TU और MU सेम रहते हैं, तो यहां पे 20 लिख दिया। उसके बाद देखिए हर यूनिट में, अब सेकेंड यूनिट में मतलब पहले के दो जोड़कर 36 है, पहले के दो जोड़कर 36 है, जिसमें से पहले का 20 ऑलरेडी लिख दिया है, तो दूसरे का कितना होगा, तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए, इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 16। उसके बाद इसमें से ये माइनस कीजिए, ये आ गया 10। फिर इस तरह से आप माइनस करके जाएंगे तो ये आ गया 4, यहां पे 0 आ गया और यहां पे -6 आ गया। क्या ये टेबल बिल्कुल सेम ही बन गया MU वाला, देखिए बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स MU से TU निकाल सकते हैं और TU से MU निकाल सकते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही, आप समझ लीजिए एक ही फैमिली के दो मेंबर्स हैं, दो भाई हैं, ठीक है। डेफिनेशन भी सेम है, फॉर्मूले भी आपको बता दिए, एक को प्लस करके दूसरा निकलता है और दूसरे को माइनस करके पहला निकलता है, इतना क्लियर है। अब ठीक है, ये टेबल मैंने बनाया ही है तो इसके बारे में आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। इस टेबल में आप एक चीज देख सकते हैं कि MU हमेशा गिरता है नीचे की तरफ, इसका रीजन आपको पता है कि जब भी हम कोई यूनिट कंज्यूम करते हैं, जब भी कॉमोडिटी को खाते रहते हैं लगातार, तो सेटिस्फैक्शन तो नीचे की तरफ जाती ही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जीरो का क्या मतलब है, जीरो का मतलब है स्टूडेंट्स आपने 5 आइसक्रीम खा ली है, देखिए 5 आइसक्रीम खा ली है आपने, पांचवें नंबर पे आ रहा है जीरो, तो इसका मतलब है अब आप पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुके हैं, अब आपको और आइसक्रीम खानी ही नहीं है। उस दिन के लिए आपने बोल दिया कि भैया अब मुझे आइसक्रीम मत खिलाओ, ठीक है, अब जितनी खानी थी मैंने खा ली है। उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद अब जितना खाना मन हो उतना खा लेने के बाद अगर आपको और खिलाया जाए तो क्या होता है, खाना माइनस में नहीं हो जाता। अब खाना माइनस में मतलब क्या है, बाहर निकलना, अब जबरदस्ती खाओगे तो बाहर ही निकलेगा, तो वो माइनस में नहीं हो गया खाना, तो उसी के लिए यहां पे माइनस यूज किया गया है। हालांकि एग्जैक्टली उसके लिए नहीं, यहां पर क्या है, यहां पर अगर सेटिस्फैक्शन मतलब आपको जीरो यहां पे हो चुकी है तो उसी समय एक और आइसक्रीम आपके सामने लाके रख दी जाए और बोला जाए अब आप इसको भी खा लो, तो वो एक जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी, अब आपके लिए हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी, जिसमें आपकी जो सेटिस्फैक्शन है माइनस में चली जाएगी, मन उठ जाएगा आइसक्रीम से, आप थोड़े दिन आइसक्रीम को देखोगे भी नहीं और किसी को खाते हुए देखोगे तो भाग जाओगे वहां से, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहां पे जो जीरो आ गया ना स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉइंट मार्क करके मैं दिखा रहा हूं 5 आइसक्रीम का, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैशिटी। देखिए साफ साफ यहां पे लिख देता हूं, सैशिटी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, फुल सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन, मतलब अगर इससे पहले आप रुक जाते तब भी आप अनसेटिस्फाइड रहते, है ना, क्यों, क्योंकि पिछले वाले में जब आपने 4 आइसक्रीम खाई तो आपको 4 की सेटिस्फैक्शन मिली, 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, तो इसका मतलब क्या है,
कि अभी आप और खा सकते हो। देखो जब तक खाओगे नहीं, जब तक अच्छे से नहीं खाओगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि यहां पे रुकना है। ठीक है, मान लो आपको 5 रोटी सेटिस्फाई करने के लिए थी लेकिन आपने 4 ही खाई और जल्दी जल्दी में सब उठ रहे थे, तो आप भी कहा कि चलो ठीक है मैं भी उठ जाता हूं, अनसेटिस्फाइड रह जाओगे वहां पे। ठीक है, एग्जैक्टली 5 रोटी खाते ना तो आप बोलते हैं कि हाँ अब मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूं, अब आपको जहां चलना है चलो। लेकिन अगर आप 6 रोटी खा लेते, भाई बहुत पेट भर गया, उसमें तो क्या होता, अगर आप कहीं जाते भी तो आप हो सकता है सही से चल नहीं पाते, है ना। तो तीनों में फर्क समझे, तो आपकी कैपेसिटी थी 5 रोटी की, जिसमें अगर आपको 4 रोटी मिलती है तो वो कम रह जाती है, वहां पे आपको पता नहीं लग पाएगा कि आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हुए या नहीं हुए, तो आपको और आगे बढ़ना है, 5 पे आना है। ठीक है, तो ये इसीलिए आगे बढ़ा है और ये 5 यूनिट पे आया है, यहां पे इसको पता लग गया बस इसके आगे मैं और नहीं जा सकता। तो जब ये बात हो जाए कि कैसे भी मैं इसके आगे नहीं जा सकता, तो समझ जाना वही वाला जो पॉइंट होता है, वो होता है पॉइंट ऑफ सैशियटी, जिसको हम पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूले यहां पे लिखे हैं, इसका जो यूज है वो हम नेक्स्ट क्लास में, न्यूमेरिकल वाली क्लास में करेंगे, जो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए पूरी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको ये जो जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं वो अच्छे से करवा दूंगा। आप यहां पे देख सकते हैं, फिलहाल TU और MU के बारे में हमने पढ़ा है, इसमें ये छोटा सा एग्जांपल था कि MU अगर गिवन है तो TU कैसे निकालते हैं और TU अगर गिवन है तो MU कैसे निकालते हैं। डिटेल में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट, जिसमें हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में समझा। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Savannah.